आवारा जानवरों के इलाज के लिए मुंबई शहर में एक साथ चलाई गई 11 एम्बुलेंस। टीवी जगत के मशहूर कलाकार संग्राम सिंह, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने अपनी अभिनेत्री पत्नी पायल रोहतगी के साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में आवारा जानवरों के इलाज के लिए बनाए गए 11 एम्बुलेंस का उद्घाटन अंधेरी के वर्सोवा इलाके में किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जानवर बेजुबान होते हैं, वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, वो आपसे बगैर किसी उम्मीद के प्यार करते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि उनकी बारात में 200 जानवरों के खाने का इंतजाम किया गया था और 101 पेड़ लगाए गए थे। ये जो एनिमल है ना, ये सेल्फलेस लव देते हैं हमें, इनको कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद ढेर सारा प्यार देते हैं। इनको थोड़ी सी ज़रूरत होती है, हम इनको छोड़ देते हैं। तो ये जो परेश भाई ने मुझे बोला, ये एक मुहिम चलाते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं कि हम ऐसे ऐसे एम्बुलेंस काउ कर रहे हैं। मैंने इवन रात को मुंबई में मैं फ़्लाइट से लैंड किया, मैंने इनको बोला परेश भाई आज का पूरा दिन बिजी है, मैं थोड़ा सा आपको परेशान करूँगा, आप उधर आ जाइए, फिर उसके बाद मैं टाउन और कई जगह जाऊँगा। तो फिर ये सब यहाँ पर आए और अच्छी दिख, कहते हैं ना कि हवन होता है, कोई भी आहुति डाले उसको पुण्य मिलता है, तो इसका एक पार्ट बन के वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आज का दिन तो सार्थक गया कि कुछ अच्छा किया। सारी खुशी होती है क्योंकि मैं ढेर सारी एनिमल्स के उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे वो एक हॉस्पिटल के बाहर देखा था, एवरी लाइफ मैटर्स, तो सभी जिसमें भी जान है वो बहुत मैटर करता है, और हम तो खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। पायल भी एक्चुअली इन सब में वो सारी चीज़ों में आगे आके प्रमोट करते हैं। पायल जी, हमें पता है आप काफ़ी बड़े एनिमल लवर, जो क्या कहना चाहोगे आज के लिए? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट मैं गाय की रक्षा होती है या डॉग का रक्षा होता है, एनिमल एनिमल है, ये लोग बेजुबान होते हैं, हमें एफर्ट्स करने चाहिए उनको हेल्प करने के लिए। मैं रिसेंटली दिल्ली में मेनका गांधी जी को मिली थी संग्राम जी के साथ, एंड उनका मैंने एफर्ट देखा टू सेव एनिमल्स, PFA उनका है, एंड PFA के साथ अब मैं देखती हूँ कि वो कितने एफ़र्ट्स करते हैं डॉग को सेव करने के लिए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप डॉग को सेव करने के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, तो आप गाय को सेव करने के लिए भी एफ़र्ट्स करिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दे ऑल आर एनिमल्स। तो यहाँ पर जैसे संग्राम जी ने बोला, परेश जी संग्राम जी को कह रहे थे यहाँ पर आने के लिए, एंड आई वॉज ऑल्सो इन टाउन, सो आई थॉट लेट मी ऑल्सो सपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा नेक कार्य है, जैसे आपको अच्छा लगा, आपके दिल को अच्छा लगा, वैसे हमारे दिल को अच्छा लगा, इसलिए सब लोग यहाँ पे इस कार्य के साथ जुड़ गए कि एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए जो कार्य किया जाए उसको सपोर्ट किया जाए। दरअसल ये सभी एम्बुलेंस समस्त महाजन नामक संस्था की ओर से चलाई जा रही हैं, जो पिछले 6 महीने से मुंबई के आवारा पशु पक्षियों की सेवा में लगी हुई है। मुंबई शहर में इलाज इतना महंगा है कि इंसान खुद का इलाज ठीक से नहीं करा पा रहा है, ऐसी स्थिति में जानवरों के विषय में कौन सोच सकता है। लेकिन मुंबई शहर में समस्त महाजन संस्था ने इंसानों की मदद करने के साथ ही जानवरों की सेवा का भी बीड़ा उठाया है। जान से परेश भाई, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? एनिमल का कार्य, इट मीन्स शासन का, जैन शासन का कार्य, तो जन्म मिला जैन कुल में, वहाँ से कर रहा हूँ। फिर भी इनिशिएटिव मुंबई में लास्ट 9-10 साल से हमने लिया है और यह कार्य से जुड़ी है। कोरोना काल में हम जब से कोरोना डिक्लेयर हुआ तो थर्ड डे से लेके थर्ड या फोर्थ डे से हमने खाना खिलाना रोड के ऊपर श्रमिक लोगों को या जो है उसको खिलाना पशुओं को किया था, तभी एवरी डे 7,000 लोगों को हम खाना खिलाते थे। वो मुहिम भी आज तक हमने कंटिन्यू रखी है। और सर, प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं एनिमल एक्टिविस्टों के, हमको बताया जाता है या मुंबई की लाइफ ऐसी है, फिर भी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जो है गिरीश भाई, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य, जितना हो सके उतना आप जैसे लोगों के माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज साहब ने आके हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। आज हमने 11 एम्बुलेंस, सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस, जिसके अंदर पूरा हॉस्पिटल का रूप दिया गया है, ऐसी 11 एम्बुलेंस मुंबई के लिए, मुंबई और उसके आजू बाजू के इलाके के लिए हमारे गुरुदेव नम्र मुनि जी महात्मा के पास उसके आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी यहाँ से शुरुआत हमारे भैया आदरणीय वडील है हमारे, एनिमल प्रेमी है, उसके हाथों से आज मंगल शुरुआत की है। भाभी जी ने आके हमको सुपन दिया है, बहन जी तो हमारी हमारे कार्य में है। मैं परेश जी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, क्या मंजिलें हैं, क्या रास्ता है, अगर हौसला है तो क्या फासला। तो पायल रोहतगी ने बताया कि वो संग्राम सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से फिलहाल जरूरतमंदों की सेवा कर रही हैं, अब वो जानवरों की सेवा के लिए अपने ट्रस्ट के जरिए कुछ काम जरूर करेंगे।
आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।